हाय पेट पेरेंट्स, आज हम डॉग्स के अंदर ओल्ड एज के बारे में बात करेंगे। ओल्ड एज के जो अर्ली साइंस होते हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं। अर्ली साइंस होते हैं जैसे सुनाई ना देना, दिखाई ना देना, चबा नहीं सकते हैं, चलने फिरने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो जो छोटी ब्रीड्स हैं उनके अंदर जो ओल्ड एज सेट इन होती है वो 12 से 14 साल के अंदर होती है। जो मीडियम ब्रीड है वो 10 से 12 साल के अंदर होती है। और जो लार्ज ब्रीड है जैसे ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड्स, उनके अंदर ये जो ओल्ड एज के साइंस हैं ये 7 से 8 साल में अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना है ओल्ड एज के अंदर डॉग्स में वो है डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन के लिए आप उनको डेंटल च्यूज दे सकते हैं, टाइम टू टाइम पेस्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा खाना दे सकते हैं जैसे कैरेट्स, ताकि वो बैठ के चबाएं। डेंटल हाइजीन के बाद हमारा जो ध्यान देना है उनके खाने पीने पे देना है। हमें ये देखना है कि उनको बैलेंस न्यूट्रिशियस फूड मिलता रहे। आपका वेट जो रिकमेंड करते हैं खाना वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो कंडीशन स्पेसिफिक रिकमेंड करेंगे। चलने फिरने के लिए मोबिलिटी फूड आता है, बना बनाया खाना है, फॉर्मुलेटेड है, उसमें सप्लीमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, वो इजी टू फीड भी होता है। लीवर के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग खाना आता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका वेट आपको रिकमेंड करेंगे कि क्या खाना देना है। और उन्होंने ये भी देखना है कि कौन से, अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। हमें एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज मोबिलिटी के लिए भी करनी है और जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए भी करनी है, ताकि मसल की स्ट्रेंथ बनी रहे, उनको चलने फिरने में तकलीफ ना हो, उठने बैठने में तकलीफ ना हो। एक्सरसाइज करने से डाइजेशन भी ठीक रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोशलाइज करेंगे उतना डॉग हेल्दी रहता है। हमें स्पेसिफिकली वेट के पास फ्रीक्वेंटली लेके जाना पड़ता है ओल्ड एज के अंदर, ताकि उनकी वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, ये सब अप टू डेट रहें। स्किन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई लम्ब्स तो नहीं हो रहे हैं, कोई एक्टोपेरासाइट्स जैसे टिक्स, फ्लीज वगैरह तो उनकी बॉडी पे नहीं है, ये वेट एग्जामिनेशन के बाद आपको बता सकते हैं। एवरी 6 मंथ्स ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डायग्नोज कर सकें कि कोई डिजीज़ ऐसी तो नहीं हो रही है जो कि उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पेट तो हेल्दी रहते ही हैं, लेकिन आपके लिए भी काफ़ी तकलीफ कम होती है। जैसे आँख की कोई तकलीफ़ है तो वेट आपको जल्दी से बता देंगे कि कौन सा आई ड्रॉप्स डालने हैं। अगर सुनने में तकलीफ़ हो रही है तो ईयर क्लीनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, और ईयर सॉल्यूशन वगैरह वो आपको रिकमेंड करते हैं। आई होप ये जो सजेशंस मैंने आपको दिए हैं ये आपको मदद करेंगे आपके पेट के ध्यान रखने में उसके गोल्डन ईयर्स में। जैसे हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपने पेट डॉग्स का भी ध्यान रख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अस योर सजेशंस।